तो आदित्य की बाइक फाइनली ठीक हो गई है। हम लोग काफी परेशान हो रहे थे कि बाइक में ऐसा क्या हो गया, क्योंकि ऑलमोस्ट फ्यूज और बैटरी सब सही था। हम लोग ने टर्मिनल भी खोल के चेक किया था, लेकिन समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। ये काम कर गया, गाड़ी एटलीस्ट स्टार्ट हो रही है, पहले तो स्टार्ट भी नहीं हो रही थी। गुड मॉर्निंग फ्रॉम लैंसडाउन। मौसम तो एकदम मौसम हो रहा है। तो ये हम लोग का होटल था, भूला ताल ना, भूला ताल। सो हम लोग आ गए अभी भूला ताल पे, सुबह करीब 8 बज रहे हैं और मौसम आप देख सकते हैं कितना ही ऑसम हो रहा है। एकदम फॉग ही फॉग हर जगह है और कुछ ही नहीं दिख रहा, कोई भी दूर का पहाड़ कुछ ही नहीं दिख रहा। इनफैक्ट 10 मीटर आगे का भी कुछ नहीं दिख रहा। हम लोग देखने जा रहे हैं एक्चुअल में है क्या यहाँ पे भूला ताल में। तो कल काफ़ी थक गए थे इसलिए हम लोग रात में जल्दी सो गए थे, लेकिन जल्दी उठ भी गए। तब से पैकिंग वैकिंग कर रहे थे, कपड़े सूखा रहे थे और ये सब हो रहा था। सामने झील है ना, कुछ है पानी बह रहा लेकिन दिख नहीं रहा है। देखो ना ये भाई कितना साफ पानी है। Sing to your heart to find you. Open up your eyes till you're blinded by the lies, so you can see what you do. Christmas every time we start looking as a lost control. Oh, it's paradise with our. जैसे कि हमने रात में दिखा हुआ ये गांधी पार्क चौराहा, उसी जैसे हम लोग ने यहाँ बाइक पार्क कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रूल स्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे, तो हम लोग बाइक एकदम पार्किंग में खड़ी कर रहे हैं, कहीं और नहीं खड़ी कर रहे, क्योंकि यहाँ पे कहीं और खड़ी करेंगे तो फाइन पड़ जाएगा। मौसम तो अच्छा हो ही रहा है, अगर आप यहाँ लैंसडाउन में आए तो प्रॉपर एक पार्किंग में बाइक खड़ी करें या कार खड़ी करें, क्योंकि कहीं और खड़ी करेंगे तो आपका चालान कट जाएगा। और पहाड़ी कुत्ता करीब पिछले करीब एक घंटे से मैं बाइक के बैग माउंट कर रहा हूँ, क्योंकि बैग पैकिंग करना, क्योंकि कपड़े वपड़े सब गीले हो गए हैं, जैकेट पहनना, फिर उसके ऊपर रेन सूट पहनना बड़ा टायरिंग होता है सब। मेरा आधा एक घंटा तो इसी सब में चला गया। सो वी आर गोइंग टू अ डिफरेंट होटल, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास अच्छा होटल नहीं है, तो हम लोग जा रहे हैं दूसरे होटल। अभी यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पे है। सुबह तो जो हम लोग गए थे घूमने वो तो आपने देखा ही होगा, ब्रेकफास्ट ऑलरेडी हो चुका है और करीब 10:30 हो रहा टाइम। तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है समय मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। मैंने हर जगह एकदम रेन गियर पहन लिया कि कहीं से मैं भीगू ना ही, मैंने इसको भी पहना दिया, लेकिन अभी थोड़े कपड़े गीले हो गए। मुझे लगा शायद हल्की फुल्की बारिश होगी, लेकिन कल काफ़ी तेज़ बारिश हो गई थी इसलिए कुछ कपड़े भीग गए थे। धीमी धीमी करते करते काफ़ी देर बारिश हो गई, तो ये सोचा जाके होटल में सुखा देंगे कपड़े, लेकिन आई वॉज रॉन्ग, कपड़े नहीं सूखे, अभी कपड़े कुछ गीले हैं। अगर आप मानसून राइड प्लान कर रहे हैं तो एक चीज़ जरूर ध्यान रखें, पानी कहीं भी घुस सकता है, तो आप चाहे जितना बचा ले पानी तो जाएगा और आप भीगेंगे ज़रूर। और ऐसी कोई भी चीज़ रखें जिससे कपड़े आप संभाल के रख सकें। तो हम लोग का होटल है ग्रीन वैली आज के लिए। गाड़ी मैंने पार्क कर दी, थोड़ा शेड में पार्क की जिससे बारिश ना हो, गाड़ी भीगे ना। और अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा हम लोग कहाँ पर जाएँ, क्योंकि एक्चुअल में हर जगह लैंडस्लाइड भी हो रही है। हम लोग 10:30 पे यहाँ पे आ गए थे, लेकिन यहाँ पे चेक इन करीब 12 बजे होता है, तो हम लोग अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी कोई रूम खाली नहीं है। अब थोड़ी देर में हम लोग को मिल जाएगा रूम, तब तक सब वेट ही कर रहे हैं। फिर भी तो बाकी एरिया से ज़्यादा ग्रीन है।
teardrops on the floor. Weekend destination be like बस ऐसा व्यू हो और ऐसी चाय हो तो मजा आ जाती है. तो 5:30 हो रहे हैं शाम के. सब लोग ये सोच रहे होंगे हम लोग ने दिन भर क्या किया. हम लोग तो 10:30 बजे यहाँ पे आ गए थे. तो हुआ ये कि काफी तेज बारिश हो रही थी. पहले हम लोग देव प्रयाग तो मेजर इशू हो गया गाड़ी में. उसी गाड़ी में दिक्कत ही हो रही है. उसी गाड़ी क्रैंक ले रही है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही है. तो वही अब समझ में नहीं आ रहा. फ्यूज सारे चेक कर लिए, बैटरी भी ठीक है. सो गाड़ी भी ठीक है ऑलमोस्ट. हम लोगों ने बाइक ऑलमोस्ट खोल के पूरी चेक कर ली थी लेकिन समझ में नहीं आ रहा था क्या प्रॉब्लम है. पहले हम लोगों ने महिंद्रा में बात की, एक दो मैकेनिक से बात की, तो एक ने बताया कि शायद पेट्रोल टंकी में पानी चला गया है. तो हम लोगों ने उन्होंने वो दिया हम लोगों को सोल्यूशन कि पेट्रोल कैप जहाँ से पेट्रोल फिल होता है उसको ओपन करके वहाँ से पेट्रोल भर के देखें. तो एज ऑफ नाउ गाड़ी अब एकदम सही हो गई ऑलमोस्ट. अभी तो टेस्ट कर रहे हैं. तो आदित की बाइक फाइनली ठीक हो गई है. हम लोग काफ़ी परेशान हो रहे थे कि बाइक में ऐसा क्या हो गया क्योंकि ऑलमोस्ट फ्यूज और बैटरी सब सही था. हम लोग ने टर्मिनल भी खोल के चेक किया था लेकिन समझ में नहीं आता क्या हो रहा है. क्या फिर बंद हो गई. आओ धीमे धीमे आओ. फिर हम लोग ने महिंद्रा के ऑफिशियल लोगों से कुछ बात की और कुछ मैकेनिक लोग से भी बात की. उन्होंने बताया शायद टंकी में पानी चला गया है. तो उन्होंने एक सोल्यूशन दिया कि इसको ओपन करके स्टार्ट करें तो शायद स्टार्ट हो जाएगी. और जैसे हम लोगों ने किया तो गाड़ी स्टार्ट तो हो गई और अभी थोड़ा बैक फायर मार रही लेकिन चल रही है. तो ये सोल्यूशन काफ़ी हेल्पफुल था. गाड़ी एटलीस्ट चल तो रही है क्योंकि अगर बंद हो जाती तो काफ़ी दिक्कत हो जाती क्योंकि हम लोग कल ही वापस जाना है लखनऊ. क्या हुआ. टंकी खोली चलाओ, टंकी खोली चलाओ कुछ देर. हाँ थोड़े चलो, 1 किलोमीटर एटलीस्ट चलो. ओहो ब्यूटीफुल व्यू. तो उन्होंने ये सोल्यूशन बताया कि टंकी का कैप ओपन करके स्टार्ट करिए तो बाइक स्टार्ट हो जाएगी. और ये काम कर गया, गाड़ी एटलीस्ट स्टार्ट हो रही है. पहले तो स्टार्ट भी नहीं हो रही थी तो काफ़ी हेल्प हुई इससे. अगर नहीं होती स्टार्ट तो काफ़ी दिक्कत हो जाती. और आपको पता ही इस गाड़ी में कितनी प्रॉब्लम ऑलरेडी आ चुकी है और हर ट्रिप में ऐसी प्रॉब्लम आती थी. खैर महिंद्रा काफ़ी हेल्पफुल है इस चीज़ में क्योंकि इस जगह नेटवर्क भी नहीं आ रहा है. हम लोग वापस होटल में गए, वहाँ पर नेटवर्क आ रहा था, वहाँ जाके हम लोग ने बात की तब जाके पता चला क्या प्रॉब्लम थी एक्चुअल में. और आप व्यू देख सकते हैं काफ़ी सुंदर लग रहा है. सनसेट होने वाला है, धूप निकल आई है. सुबह से बारिश ही हो रही है तो हम लोग होटल ही में थे. एक्चुअल में एक दो लोग जाने के लिए मना कर रहे थे और कुछ लोग रेडी थे, बस इसीलिए कुछ तालमेल ठीक से बैठ नहीं पाया. सबसे बड़ी दिक्कत हम लोग की इस राइड में ये हो गई कि प्लानिंग ठीक से नहीं हुई थी कि हम लोग एक्चुअल में जाना कहाँ है, क्या करना है, कुछ डिसाइडेड नहीं था. हम लोग भी एंड मोमेंट तक डिसाइड कर रहे थे कि कहाँ जाना है, क्या करना है. और वही सबसे बड़ी दिक्कत हो गई कि हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए और काफ़ी बोरिंग राइड हो गई. हम लोग पहाड़ तो एटलीस्ट आ गए लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं एक्सप्लोर कर पाए, ना कहीं घूम पाए. बस हम लोग आए यहाँ पे, रेन में गाड़ी चलाई, बस ये सब हुआ. आप देख सकते काफ़ी सुंदर है ये जगह. मतलब आई थिंक मुझे फिर वापस जाना पड़ेगा, उसकी गाड़ी दिक्कत दे रही है. दिस इज समथिंग ऑन अ डिफरेंट लेवल. 5500 फीट की ऊंचाई पे है लैंसडाउन.
और अभी हम लोग इंक्लाइन में हैं, मतलब थोड़ा सा हम लोग नीचे हैं, ऊपर चल रहे हैं बहुत ही स्पीड में। बाकी लोग तो जैसे आगे निकल गए थे, हम लोगों ने कहा कंटिन्यू करो, हम लोग बैक वापस जो ज्वाइन कर लेंगे। भाई ये होती जगह, लैंसडाउन फिर से आ गए हैं। रात में ये जगह दिखी नहीं होगी कैमरे में, उस समय हमें कैमरे में बैटरी भी डाउन हो गई थी। तो जो बाकी लोग टिप एंड टॉप पे पहुंच चुके हैं, हम लोग भी वहीं जा रहे हैं। सुबह इसलिए नहीं गए थे क्योंकि काफी ज्यादा फॉग था तो कुछ नहीं दिख रहा था। इवन जो हम लोग सुबह लेक गए थे वो भी नहीं दिख रही थी। टिप एंड टॉप एक व्यू पॉइंट है, वहाँ पे जाके हिमालय का व्यू दिखता है। जैसे आपको याद होगा विंसन में जीरो पॉइंट था, कुछ वैसा ही है। और नेपाल में मैं गया था तो मुझे वहाँ व्यू पॉइंट नहीं दिखा था, लास्ट टाइम जब मैं गया था आपने देखा होगा। हम लोग वहाँ पहुँचे थे लेकिन हम लोग थोड़ा भटक गए थे। तो यहाँ पे कुछ कुछ जगह पहाड़ों में ऐसा ही होता है, व्यू पॉइंट अलग से बना होता है। तो उन्हीं में से एक यहाँ पे लैंसडाउन में टिप एंड टॉप। वही चढ़ाई बढ़ती जा रही है, जैसे विंसन में हो रहा था इंक्लाइन बहुत ज्यादा है। क्या हम लोग पहुंच गए, क्या हम लोग पहुंच गए, क्या हम लोग पहुंच गए, क्या हम लोग पहुंच गए। और यहाँ हम लोग पहुंच गए हैं टिप एंड टॉप। हाँ अवनीश की थी, हम लोग पहुंच गए हैं टिप एंड टॉप। टिप एंड टॉप, सो वी आर कमिंग, वी आर कमिंग, वी आर कमिंग। तो उसी भाई कहाँ गई? अच्छा हाँ, ये अपाचे, वाइट अपाचे, ये लोग पहले पहुँचोंगे। नहीं ऑलमोस्ट सनसेट हो रहा है, अगर दिख गया तो अच्छा है, क्यों ना यहाँ पे आना बर्बाद हो जाएगा अगर नहीं दिखा तो। बिंसर में कुछ नहीं दिख रहा हमें, लगा इससे अच्छा तो हम लोग देख के आ रहे हैं। आदित चल ले, चल ले, चल ले। भाई की गाड़ी ठीक हो गई। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं टिप एंड टॉप। टिप एंड टॉप गाड़ी में वो पेट्रोल पानी चला गया था। सनसेट हम लोग देख के आ रहे हैं ऑलरेडी, वो वहां देखे ना पहाड़ी कोने में। हाँ हम लोग वहां से भी देखे। हम लोग बहुत सो गए किसी ना किसी तरह यहाँ पे, लेकिन हम लोग ने वो मिस कर दिया। देखने में तो हिमालय अच्छा लग रहा था, लेकिन ये लोग बता रहे कि पहले धूप की रोशनी पड़ रही थी तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो हम लोग ने वन सेकेंड मिस कर दिया। ये मेरा थर्ड व्यू पॉइंट है जो मिस हो गया मुझसे। सनसेट हो रहा था बस, हम लोग से 10-15 मिनट हम लोग लेट हो गए। पता नहीं कब देखने को मिलेगा ऐसा व्यू पॉइंट, मिस हो जाता हमेशा। 7 बज गया, अंधेरा हो चुका है, अब ठंड और बढ़ेगी। अब जितनी जल्दी हो सके वापस चलते हैं, 10 किलोमीटर होगा अराउंड हम लोग का होटल यहाँ से, सो वी आर गोइंग बैक। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है समय, क्योंकि ठंडी हवा नहीं चल रही, नॉर्मल हवा चल रही है। और ऐसे ही अब जैसे कि आप रोड पे देख सकते हैं, रोड का थोड़ी सूख गई है, काफ़ी देर से बारिश नहीं हुई तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि तो 2 दिन से भीग भीग के हम लोग एकदम परेशान हो गए थे। फाइनली अच्छा लग रहा है थोड़ा सूखे हुए। तो हम लोग होटल वापस आ गए हैं और हम लोग सिटी के बाहर से ही आ गए। लगो पहले हम लोग सिटी के अंदर सोते हुए गए थे, लैंसडाउन होते हुए हम लोग गए थे टिप एंड टॉप, लेकिन हम लोग लौटते समय हम लोग बाहर से ही आ गए आउटर से। तो ये काफ़ी ज़्यादा पास पड़ा हम लोग को, हम लोग जाने में लगा था 45 मिनट, लेकिन वापस आने में मैक्सिमम 15 मिनट लगा, बहुत टाइम हम लोग ने बचा लिया वापस आने में। और उसकी गाड़ी एकदम सही परफॉर्म कर रही है, अब एकदम सही चल रही है। और बारिश एकदम रुक गई तो काफ़ी अच्छी बात है ये, कल भी ना हो बारिश तो वैसे उम्मीद करूँगा। अभी बड़ी मुश्किल में कपड़े सुखाए हैं, बड़ी दिक्कत हुई है इस बार। टिल देन